हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से भाइयों की बाइक के साथ। और आज हम देखेंगे पल्सर 150 सीसी में चेसिस नंबर और इंजन नंबर कहाँ पे होता है। तो देखते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस जो पल्सर है अपनी, ये 150 सीसी, इसके अंदर जो ऑयल डलता है वो डलता है 1 लीटर ऑयल डलता है। और अब आपको बताऊँगा कि चेसिस नंबर कहाँ पर है और इंजन नंबर कहाँ पर होता है। तो अभी बताऊंगा आपको कहाँ पे है। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। ये है मतलब कि ये है अपना उल्टे हैंड तरफ है, हैंडल के नीचे चेसी पे। ये देखिए, इधर है अपना, ये रहा अपना चेसी नंबर, इसे चेसी नंबर कहते हैं। और ये चेसी नंबर हैंडल के जस्ट मतलब हैंडल के जस्ट नीचे होता है, जहाँ वायरिंग निकली हुई यहीं पर, ये रहा चेसी नंबर। और अब आपको बताऊंगा इंजन नंबर कहाँ पर होता है। तो इंजन नंबर अपना इधर नीचे रहूँगा अभी। तो ये देखिए अपना इंजन नंबर, और जो अपना इंजन नंबर है वो थोड़ी नीचे हट के नीचे है थोड़ी सा, तो आपको नीचे झुक के देखना पड़ेगा। आप देखिए, ये रहा अपना इंजन नंबर। इंजन में इसको साफ़ करूँगा, साफ करके दिखाऊँगा आपको सही है इंजन नंबर यहीं पर है या कहीं और है। तो कंफर्म यहीं पर है इंजन नंबर, ये कंफर्म है कि इंजन नंबर यहीं पर है। और ये मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग कहीं से, अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं कहीं से, तो आपको याद रहे कि चेसिस नंबर और इंजन नंबर आपको ज़रूर चेक करना है। क्योंकि कई लोग फ्रॉड होते हैं, इंजन नंबर चेसिस नंबर चेंज कर देते हैं। इसलिए आप कहीं से पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो इंजन नंबर और चेसिस नंबर खास चेक करें, अपने RC उससे लें। और RC में खुद लिखा होता है, उसमें आप चेक करें। जो आप गाड़ी जो उनसे भी गाड़ी लें, मैं हर वीडियो हर गाड़ी की वीडियो डाल देता हूँ चेसिस नंबर इंजन नंबर की, कहाँ पे होते कहाँ पे नहीं होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ही करें, जब आप अपनी पुरानी गाड़ी खरीदें कहीं से या डीलर से या किसी से, तो ज़रूर उसको चेक करें। और ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पर भाइयों की बाइक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।